हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो यहाँ पे मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर रही हूँ, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे सुपर डुपर एक्टिव रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन सी आज करी बना रही हूँ, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स ले लेंगे और उसको अच्छे से वॉश करके काट लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिली, टमाटर, चुकंदर, प्याज और लहसुन। उसको बारीक बारीक पतला पतला काट लेंगे। और मैंने रात में ये चने भिगोए थे, उसको मतलब भिगो के रखे थे, वो ले लेंगे। एंड यहाँ पे गैस पे हम लोग प्रेशर कुकर को रखेंगे। तो पहले प्री हीट कर लेना है, मतलब पहले से थोड़ा सा आपको प्रेशर कुकर जब हल्का सा गर्म होने लगे तो उसमें ऑयल डालना है। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा हींग। एक चम्मच जीरा लेंगे। और थोड़े से करी पत्ते यानी करी लीव्स डालेंगे। और एक स्पैचुला से हम लोग इसको हल्का सा चला लेंगे। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कटे हुए लहसुन यानी गार्लिक। हरा मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हम लोग इसको चला लेंगे एक स्पैचुला से यानी मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं कटा हुआ प्याज डालूंगी, कटे हुए टमाटर डालेंगे और जो मैंने ग्रेट किया हुआ चुकंदर रखा था वो डालेंगे। और इसको एक स्पैचुला से हम लोग चला लेंगे हल्का सा। 5 मिनट तक आप इसको चलाएंगे। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा देर जब चलाने के बाद इसको 5 मिनट बाद फिर एक बार एक राउंड चलाएंगे हम लोग, मतलब ऑलमोस्ट आपकी सब्जी थोड़ी सी कुक हो जाए। फिर मैं यहाँ पे हल्दी, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला का पेस्ट बना के इसमें डालेंगे और इसको भी एक स्पैचुला से हम लोग चला लेंगे एज अ पेस्ट मसाला। मैं इसको लिक्विड में बना रही हूँ, आप सूखा नहीं डालना है इसमें, लिक्विड में ही इन तीनों मिक्सचर का पेस्ट आप बना लीजिएगा। मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती हूँ, अगर आपको ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो वो आप डाल सकते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैंने फिर जो रात में भिगो के मैंने चने रखे थे वो डालेंगे और इसको भी हम लोग एक स्पैचुला से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये भी 2 से 3 मिनट तक हम चलाएंगे इसको। फिर यहाँ पे मैं आलू डालूंगी, कटे हुए आलू डालेंगे यहाँ पे हम लोग। 3 से 4 आलू ले लीजिएगा, जितना मेजरमेंट आपका चने का है उतना ही आपको आलू लेना है। और इसको भी फिर हम लोग एक स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी पोटैटोज और ये चना और जितनी भी मैंने सब्जियां उसमें डाली थी वो सारे ही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए मसालों के साथ। फिर यहाँ पे 1 गिलास भर के आपको पानी डालना है, मतलब आपको 1 गिलास पानी डालना है क्योंकि रात में हम चना सोक करने के लिए रखते हैं बट सीटी कुकर में हमें उसे पकाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 गिलास भर के आप पूरा पानी डालिएगा। फिर यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कुकर को बंद कर देंगे। 4 से 5 सीटी तक इसको आपको पकाना है लो फ्लेम पे, क्योंकि क्या है चना
बहुत देर में पकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए 4 से 5 सीटी करिएगा और फिर इसको राइस के साथ एंजॉय करेंगे। मैं यहाँ चने आलू की सब्ज़ी बना रही थी और बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी है। आप अपने घर में डेफिनेटली ट्राई कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, बाय बाय।